झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल भेजी गई आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बारे में पहली बार आज अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं से भी उनकी सरकार के खिलाफ संलिप्तता था, जो कुछ मिलता था तो वे कार्रवाई करें। उनकी सरकार है, उनको किसने रोका है। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वे कोई भी जांच कराए हम हमेशा तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि हेमंत सरकार को कानून सीखने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह वीडियो सीओ सेक्रेटरी हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो, अगर व्यभिचार भ्रष्टाचार करता है तो उनके खिलाफ दो एक्शन होता है। एक क्रिमिनल एक्शन होता है और दूसरा विभागीय कार्रवाई होती है। तो पूजा सिंघल के मामले में उनकी सरकार के समय पहले से ही क्रिमिनल एक्शन चल रहा था। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला आय से अधिक संपत्ति का है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इन 5 मंत्रियों की संपत्ति वर्ष 2019 में वर्ष 2014 की अपेक्षा 200 से 1200 गुना तक बढ़ गई है। जैसा कि इन मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन में चुनाव आयोग को शपथ पत्र देकर बताया है। इसका बकाया होता, उसी में सरकार हिल रहा, उथल पुथल हो गया ना। अब वो परेशान था, रघुवर दास को कैसे गिरफ्तार करो। उन्होंने DGP को बुलाया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने ACB का IG को बुलाया, बोला रघुवर जी को कैसे भी गिरफ्तार करो। बोला कहीं कुछ कानून नहीं बन रहा, तो हटा दिया DGP ACB से। ये तो सरकार है यहाँ से। हमने 5 साल आरोप, राजनीतिक आरोप के तब लगता है बिना शहर पर का कुछ अखबारी नेता वाला जिसका धंधा रोजी रोटी, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लो, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लिखो। 5 साल हमने बेदाग सरकार, ईमानदार सरकार दिया, किसी की हिम्मत नहीं है एक रुपये का भी दाग रघुवर दास पर लगा सकता है। और ऐसा हो गया ना, सरकार को खोद रहा है ना, एक दाग मिला। 5 साल हमने काल पे जो कपाल लिख दिया, विकास की रेखाएं खींच दिया, कोई मिटा नहीं सकता अपनी व्यक्तिगत झुंझलाहट से या बेड बिना पैर सिर का आरोप लगाकर। एक बात तो सही बोले सर कि आपके समय में विकास तो हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं भाजपा के चुनौती जो आता हुआ फिर दोबारा सत्ता हाथ में निकल गया, और ये दो तीन पदाधिकारियों के आपने ट्रस्ट किया विकास में, सत्ता से बाहर कैसे, ये चीज बात है सत्ता से बाहर। अब सत्ता से बाहर के भैया, हम उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे, आप चिंतित मत रहो उसके। ये मेरा BJP का काम है, हम सत्ता से क्यों, मेरे अंदर क्या कमी था, आप चिंतित मत हो। सर भी अभी आया था राज्यसभा को लेकर, आपके अपना नाम चला जा रहा कट गया, ये सब पार्टी का है, आप क्या चिंता करते हैं। हम राज्यसभा जाएंगे कि विधानसभा में जाएंगे कि झाड़ू साफ करेंगे, ये पार्टी का काम हो, आप चिंता मत करो। मेरा चिंता मेरा पार्टी कर रहा है, चिंता मत करो। मैं कार्यकर्ता बूथ स्तर का, मैं झाड़ू मार के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अखबारी लाल बन के किसी का चैथन करके नहीं पहुँचा भैया, झाड़ू मार के आया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।